दोस्तों बहुत सारे भक्त हमारे कहते हैं कि उनके ऊपर महाराज की सवारी आती थी, चौकी आती थी, उनकी चौकी किसी ने बांध दी है, उनकी सवारी किसी ने बांध दी है, वो फलित नहीं हो रही है, वो बात नहीं कर रही है, चौकी आनी बंद हो गई है, सवारी आनी बंद हो गई है। ये सबसे बड़ी समस्या है। और एक बात बता दूं, ये आसानी से जो है ना, अगर आपने यहाँ थोड़ी सी चूक कर दी तो चौकी परमानेंट बंद हो जाती है। हम लोग करते क्या है कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो होता क्या है कि हमारे से जो हमारे देवी देवता होते हैं प्रसन्न होकर हमें चौकी दे देते हैं, हमारी सवारी दे देते हैं, पर हम फिर उसको साधना में तो लेते नहीं है, हम लोग उसका भंडारा पीटना शुरू कर देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ईर्ष्या से या कैसे करके उसको बंद कर देते हैं चौकी को, और वो चौकी बंद हो जाती है, सवारी आने बंद हो जाती है, और उससे हमें समस्या होना शुरू हो जाती है फिर। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, आज एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, इस उपाय को कीजिएगा। और तरीके और भी है, ध्यान रखिएगा भाई, ये उपाय करने के बाद भी आपको थोड़ा सा पूजा पाठ पे ध्यान देना पड़ेगा, अपना अपना शेड्यूल जो सेट करना पड़ेगा, तब आपकी चौकी वापस खुल जाएगी, आपकी सवारी वापस खुल जाएगी, आपको इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पर साथ में मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा भाई, जैसे आप परेशान हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर कर दीजिए, अपने फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिए, सो दैट कि भैया जो और लोग परेशान हैं या जो और लोग ऐसे हैं जिनको परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वो इस चैनल के माध्यम से, इसमें बहुत सारी वीडियोज़ मैंने डाली हैं अलग अलग तरीके की परेशानियों की, वो उनका कुछ भला हो सके। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ, किसी से मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, आप इनको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और मैं आज आपको बताऊंगा कि आपकी चौकी अगर बंद गई है, आपकी चौकी किसी ने बांध दी, आपको सवारी आनी बंद हो गई है, तो वो कैसे खुलेगी। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो धाम हर की, जय बागड़ की सरकार की, जय मेरे गुरु गोरख तेरी सदा ही जय। स्वागत है सभी का चेला गोरख का यूट्यूब चैनल, जो गुरु महाराज की तरफ से चलता है। आप सभी के प्यार से प्यार सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो भक्तों सबसे बड़ी बात ये मैं बता दूँ आपको कि होता क्या है कि कुछ तो लोगों की ईर्ष्या होती है और कुछ हमारे अपने कर्म होते हैं। हमें कोई चौकी मिलती है, हमें कोई गुरु मिलते हैं, हमें कोई महाराज मिलते हैं, और हम में क्या होता है फिर उसका बड़प्पन आ जाता है। बड़प्पन आते हैं हम क्या करते हैं, उसको फैलाना शुरू करते हैं। हम ये होते हैं, आप आइए मेरे पास, आइए ये करिए वो करिए, और हम उसे फैलाना शुरू कर देते हैं और लोग आने शुरू हो जाते हैं, और हम उनको महाराज को कष्ट देना शुरू कर देते हैं, उनको बताना शुरू कर देते हैं कि तुम में ये हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा। मैंने भी शुरू में ऐसे किया था, मैं आपको यकीन मानेगा, मैंने भी शुरू में ऐसे ही कर दिया था, और हुआ क्या, मेरा सब कुछ छीन लिया गया, मुझसे सब कुछ छीन लिया गया, यकीन मानिएगा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और आज भी बहुत सारे भक्त मुझे फ़ोन करते हैं कि मिलना है, मिलना है, मिलना है। मैं क्या कहता हूँ कि मुझे मेरे गुरु का आदेश नहीं, मेरे महाराज का आदेश नहीं है कि मैं अभी किसी से मिलूँ। क्यों? क्योंकि मेरी चौकी को मेरे महाराज ने हटा रखा है, किसी ने बांधी नहीं है भैया, किसी ने तोड़ी नहीं है, महाराज ने ही हटा रखी है। होता क्या है कि भाई जैसे हम लोग पे 100 रुपये होते हैं ना, और हम खर्चा कर देते हैं 200-300 रुपये का, तो 100-200 रुपये हम पे उधार हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे जब पुण्य कर्म अर्जित होते हैं, हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, महाराज की सेवा करते हैं, तो हमें चौकी मिलती है, हमें महाराज मिलते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, हम लूटाना शुरू करते हैं। वो मिलते हैं हमें अपने लिए, पहले हम अपने लिए कि अपने को स्वस्थ कीजिए, अपने समाज, फिर हम क्या करते हैं, वो समाज सेवा का ढोंग करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमें क्या होती है, हमें लालसा होती है गुरु बनने की, कि हम गुरु बन जाएं, लोग हमारे पैर छुएं। इसलिए आपको याद होगा मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि मैं चेला ही ठीक हूँ, मुझे गुरु नहीं बनना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, लोगों को बताना शुरू कर दिया, तो इसमें क्या होता है, हमारे कुछ पुण्य कर्म जो अर्जित है वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि हमारे सारे पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हम और तरीके से पूजा साधना तो करते नहीं है, सारे खत्म हो जाते हैं और हमारा नुकसान होना शुरू हो जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि हमारी चौकी बंद जाती है, ऑटोमेटिक बंद जाती है, कुछ दूसरे बांध देते हैं खुंदक में आके, चिढ़कर, परेशान होकर, कैसे भी करके वो आपकी चौकी बांध देते हैं। तो ऐसा होता है। अब चौकी बंद क्यों जाती है, क्योंकि हमको खुद नहीं पता होता, बहुत ज़्यादा हम लोग के नहीं होते हैं, पूजा पाठ ढंग से होती नहीं हमारी, तो हमारी चौकी बंद भी जाती है, चली जाती है, हमारी सवारी चली जाती है, महाराज आना बंद कर देते हैं, चौकी हिलनी बंद हो जाती है, चौकी बोलना शुरू बंद कर देती है, चौकी वचन देना बंद कर देती है, ठीक है। तो भैया इसका एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। पहली बात तो ये कि जिस भी गुरु की, जिस भी महाराज की, जिस भी देवता की चौकी आपके पास है, उसका प्रतिदिन देसी घी का दीपक लगाना शुरू कीजिएगा, प्रतिदिन दीपक लगाना शुरू कीजिएगा। और दीपक लगाते वक्त आप उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि महाराज मुझसे जो गलती हुई उसको क्षमा करें, मेरी चौकी को वापस करें, मेरी सवारी को वापस करें, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाएं। इस तरह प्रतिदिन आपको उनसे, एक तो ये आपको प्रार्थना करनी ही करनी है, ठीक है। जिन भी देवता की या जिन भी इष्ट की पितृ की आपके पास सवारी आती है, उनके नाम का दीपक आपको लगाना प्रतिदिन, एक टाइम तो ज़रूर लगाना है, ठीक है।
दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको एक लोटिया में गंगा जल लेना है। गंगा जल थोड़ा सा इसमें पानी मिला लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, एक लोटिया में बना लें, ठीक है। और उस लोटिया को जहाँ भी आपका पूजा का स्थान, जहाँ पर मतलब पूजा का स्थान मतलब जहाँ पर आप बैठ के चौकी लगाते थे, आप जहाँ बैठ के सवारी आपके ऊपर आती थी, आप बात बताते थे सबको, उस स्थान के ऊपर उस गंगा जल को जो आपने लोटिया में लिया है, ठीक है, उसको पहले 3 बार छिड़कना है, हल्का हल्का लेकर उस जगह पर 3 बार छिड़क लेना। अगर आपकी कोई चौकी बनाई हुई थी, आपने कोई आसन बनाया हुआ था, तो उसको भी बिछा लेना है और उसके ऊपर भी 3 बार छिड़क लेना है। छिड़कने के बाद में जो जल आपने लिया है ना, उस जल को किसी भी थाली में या प्लेट में कर लेना, चौड़ी चीज़ में, मतलब चौड़ी प्लेट थाली में उसको डाल लेना। जल को डालने के बाद में उस जल को चाकू लेना है आपको, चाकू लेने के बाद में उसको 7 बार आपको काटना है, जल को 7 बार आपको काटना है, ऐसे करके, ऐसे दिख रहा है ना आपको, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके 7 बार आपको काटना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी ये 7 बार आप काटेंगे तो आपकी जो चाकू एक बार जैसे यहाँ टिक गया तो उठेगा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 7ों बार वो चलेगा पर वो उठेगा नहीं, प्लेट में से उठना नहीं है, उसकी नोक एक बार टिकेगी, 7 बार काटने के बाद, चलने के बाद ही उठेगी वो, ठीक है। तो वो आपने 7 बार काट लेना, तब काटने के बाद में वो जो जल है उस जल में आपको आधा नींबू, नींबू काटना है आधा, ठीक है, आधा नींबू काटना है। नींबू काटने के बाद में उस नींबू के ऊपर थोड़ी सी रोली लगानी है, रोली या सिंदूर जो भी आपके पास हो वो लगा देना है। लगाने के बाद में उस रोली सिंदूर को बाबा के, महाराज के, जो भी गुरु आपके हैं, देवी देवता हैं, उनकी तस्वीर है, उनकी सिद्धि है, उस स्थान है जहाँ भी है, उस पर आपको टच करना है, उसको टच करने के बाद में, छूने के बाद में उनका नाम लेना है, जिन भी देवी देवता का, और उसके बाद वो उस जल उसको निचोड़ देना है उस पानी के अंदर जो पानी आपने प्लेट में लिया हुआ है, काट के रखा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर उसको निचोड़ देना है। निचोड़ने के बाद में उसको अच्छे से हिला के, मिल जाएगा वो, मिला लेना उसको, और फिर उस जल को जो है, जो जगह है आपकी जहाँ पर गद्दी आप लगाते थे, बैठते थे, आसन, जहाँ पे आपने पहले 3 बार जल छिड़का है, उसी जगह पे आपको वो जो जल है वो पूरा वापस छिड़कना है। पूरा जल इस बार आपको धीरे धीरे, ऐसा नहीं एकदम से गिरा दोगे, पानी नहीं करना, भिगोना नहीं है, हल्का हल्का हाथ में लेकर ऐसे 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 करके जब तक वो ख़त्म ना हो जाए आपको छिड़कते रहना है, छिड़कते रहना है, छिड़कते रहना है। एक बार याद रखिएगा, छिड़कते छिड़कते आपको अपने गुरु का, महाराज का, पितृ का, इत्र का, देव का, जिनका भी आप स्थान लगाते थे, जिनकी भी चौकी आपके ऊपर आ गई थी, उनका स्मरण करते रहना है, उनका ध्यान करते रहना है, ठीक है। और वो जल छिड़कते रहना, छिड़कते रहना, छिड़कते रहना, छिड़कते रहना, छिड़कते रहना, छिड़कते रहना, छिड़कते रहना। जब वो जल छिड़क जाए, जब वो पूरा जल आपका छिड़क जाए, तो छिड़कने के बाद में आपको क्या करना है, वो जो स्थान है जहाँ पर आप लगाते थे, चौकी लगाते थे या कुछ भी करते थे, वहाँ उस स्थान पर जो आपने कोई कुछ भी रखा हुआ है, अगर गद्दी वद्दी रखी हुई है, तो उस गद्दी को पैर वहाँ से उठा के बाहर झाड़ लेना, झाड़ के दोबारा बिछाना है। और अगर वहाँ गद्दी वद्दी कुछ नहीं रखी हुई है, आपने गद्दी वगैरह नहीं लगाई हुई है, उस वहाँ पर आपने कोई स्थान आपको नहीं दिया हुआ है, तो जो भी स्थान जहाँ पर आपने ये किया वहाँ से आपको सकेर लेना है उसको, ठीक है, सकेर के बाहर फेंक देना है, ठीक है, जो भी सकेरा निकलेगी उसको बाहर फेंक देना है उसको। इतना आपको काम करना है, ठीक है, इतना आपको काम करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने वहाँ से सकेर लिया, सकेरने के बाद में आपको वहाँ पर बैठना है, आसन लगाना है अपना, जैसे आप पहले बैठते थे, बैठ के आपको अपने जो गुरु हैं, ईष्ट हैं, पितृ हैं, देव हैं, इत्र हैं, जिनकी भी आप सवारी लेते थे, जिनका भी आप आसन लगाते थे, चौकी लगाते थे, आपको उनका आवाहन करना है, वहाँ पर बैठकर आवाहन करना है। आइए, उनसे अपनी क्षमा मांगनी है, उनसे प्रार्थना करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है कि मुझे क्षमा कीजिए, जो भी किसी ने किया कराया उसको भी दूर करके मुझे क्षमा कीजिए, या मेरी अपनी गलती है तो मुझे क्षमा कीजिए, आप आइए मैं आपका आह्वान करता हूँ, मुझे चौकी दीजिए वापस, मुझे मेरी सवारी वापस दीजिए, मुझे मेरे महाराज वापस दीजिए, कह के आपको आह्वान करना है, उनका आह्वान करना है। अब यहाँ पर दो बातें होंगी, आप आह्वान करोगे तुरंत असर होगा और आपकी चौकी खुलेगी, झटके से खुलेगी, ठीक है, या चौकी भरेगी पर खुलेगी नहीं, या भरेगी भी नहीं। तो जिनकी तुरंत खुल गई, झटके से खुल गई, उनका तो काम हो गया पूरा भैया, ठीक है, बस अपने महाराज को मना के रखें, उनसे वचन लेके उनके काम करते रहें, जैसे वो आपको आदेश करते हैं वैसा करते रहें। बहुत ज़्यादा गायें बगाएं नहीं बाहर मोहल्ले में, 4 मोहल्ले में, अपने पहले कर्म पूजा को पूरा करें, ऊपर करें, बढ़ाएं, ठीक है। जिनकी नहीं खुली या जिनकी भरी और नहीं बोल पाई,
वो इस कार्य को, जो ये कार्य है, इसी कार्य को वो लगातार तब तक करते रहे जब तक ये चौकी खुलेगी नहीं। मैं आपको बताऊं, नॉर्मली 3 दिन या 7 दिन के अंदर अंदर हर हाल में चौकी खुल जाएगी। और भाई साहब, 7 दिन का कार्य कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। जब आप इतने परेशान हो, इतनी बड़ी चौकी आपकी बंदी हुई है, इतना बड़ा कार्य आपका हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि 7 दिन का इंतज़ार, 7 दिन का धैर्य आप नहीं रख सकते। तो 7 दिन का धैर्य आप ज़रूर रखें और इस चौकी को कीजिएगा, इस कार्य को कीजिएगा, आपकी चौकी ज़रूर खुलेगी, आपके महाराज ज़रूर मानेंगे। बस गलती हमारी अपनी होती है, ये मानकर आप इस कार्य को कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, उस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मेरे से कांटेक्ट करने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, आप ये नंबर जो चल रहा है स्क्रीन पर, जो ये अब नंबर चल रहा है, इसी नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट करें, इसी पर आप मुझे बात करें, इसी नंबर पर जो ये स्क्रीन पर चल रहा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ किसी और दूसरे नंबर पर ना करें। तो आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आप ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बाबा गुरु गोरखनाथ, बाबा गुरु गोरखनाथ का जो धाम है बागड़ में, जिस पे मेला भी लगता है, अब मेला लगता है, ठीक है, तो जो बागड़ में जो धाम है गुरु गोरखनाथ जी का, मुझे आप बता दीजिए, वहाँ पर जो मेन मुख्य द्वार, अगर कोई गया है, अगर कोई नहीं गया तो नहीं बता पाएगा, पर जो भी वहाँ गए हैं दर्शन करने, चले पहले यही पूछ लेते हैं, जो वहाँ दर्शन करने गए, जिन्होंने बागड़ धाम के दर्शन किए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, वो अपना नाम और अपना स्थान कहाँ से हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। जो बागड़ में बाबा गोरखनाथ जी के दर्शन किए हैं, धाम के दर्शन किए हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और वो कहाँ से हैं वो ज़रूर डालें। गुरु गोरखनाथ महाराज सभी पर कृपा करेंगे। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय धामा।